आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली मेरा मॉर्निंग रूटीन, और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है ग्रीन टी से। सबसे पहले मैं अपनी ग्रीन टी फिनिश करती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मैं अपने सारे कामों में लग जाती हूँ। आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि दी आप कौन से ग्रीन टी यूज करते हो, तो मैं ग्रीन टी यूज करती हूँ न्यू हर्ब्स की, क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इसे मैं वर्कआउट से पहले लेती हूँ ताकि मैं वर्कआउट के लिए रेडी फील कर सकूँ। इस ग्रीन टी को मैं इसीलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, इसका एंटीऑक्सीडेंट केयर किया गया है और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, और इसमें मेरा फेवरेट लेमन फ्लेवर है, इसीलिए मुझे ये ग्रीन टी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। टेस्ट इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, और इस ग्रीन टी की खास बात यह है कि ये मेरी इम्यूनिटी सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ताकि मैं अपने वर्कआउट के टाइम और वर्कआउट के बाद भी एनर्जेटिक फील करती हूँ। वैसे देखा जाए तो हम लोग एक्सरसाइज के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं और हम लोग आलसी हो जाते हैं, उसके बाद तो हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो ये जब मैं लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ। और आप वही मुझे पूछते रहते हो कि दिया आप इतनी एनर्जेटिक कैसे दिखती हो, तो उसका रीजन यही है कि मैं ग्रीन टी लेती हूँ, उसके बाद वर्कआउट करती हूँ, इसीलिए वर्कआउट के बाद भी घर के काम मैं पूरे खुद ही कर सकती हूँ। और ये जब मैं ग्रीन टी लेती हूँ ना, तो ये मेरी बॉडी डिटॉक्स करने में भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और इसे बनाना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले ग्रीन टी बनाने के लिए हमें गर्म पानी लगेगा, तो उसके लिए मैंने अपने इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये जो न्यू हर्ब्स के ग्रीन टी पैक है, इसमें 25 टी बैग्स आते हैं, इसमें से एक टी बैग लेना है। उसके बाद आपको गर्म पानी को मग में ऐड कर देना है और एक सैचेट निकाल के उसमें से टी बैग को गर्म पानी में डिप करना है, और बस आपकी ग्रीन टी रेडी है लेने के लिए। अब आप इसे आराम से पी सकते हो, और इसे आपको सिप सिप करके ही पीना है। 2 मिनट में ये बन जाती है, और मैं अभी इसे पी लेती हूँ और इसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ अपना। यहाँ पर वर्कआउट हो गया था, और वर्कआउट में ना साइकिलिंग ही कर रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि वर्कआउट करने के लिए जगह नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है मेरे घर पे काम चल रहा है कलरिंग और फॉल सीलिंग का, तो इसलिए बिल्कुल घर पे जगह नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो साइकिलिंग ही कर रही हूँ आजकल। और किचन में आ गई थी, किचन में मैंने खाना बना लिया था, और मैं आज बनाने वाली हूँ मखाने वाली खीर। और ये किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, कौन कौन खाता है मखाने की खीर, और नहीं बनाता है उनको बनाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और एक्चुअली ये किसके लिए है ये भी बता देती हूँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये ना जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसी वजह से मैं आजकल ना डेली बना रही हूँ ये, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कमर में और घुटने में, क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, तो इसीलिए ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो घुटनों में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और क्या बोलते हैं तो कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये डेली खा रहे हैं आजकल, 15 दिन खानी पड़ती है, उससे जोड़ों के दर्द वगैरह ठीक होते हैं। तो सबसे पहले मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने ऐड किया है एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी, और उसमें मैंने ऐड किया है खसखस। खसखस मैंने अच्छे से भून लिया है, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक, और वो भूनने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है दूध, और उसके बाद मैं मखाने उसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो खसखस के साथ भी मखानों को भून सकते हो, और मैंने मखानों को भूना नहीं था, ऐसे ही ऐड किया था, आप चाहो तो भून सकते हो मखानों को। उसके बाद मैंने मिश्री का पाउडर बना के उसमें ऐड किया है, तो ये ऐड करना है, आपके घर में मिश्री नहीं है तो आप भी ऐड कर सकते हो, और उसको बॉईल आने देना है। ये इसकी क्वांटिटी आधी हो जाए दूध की, तब तक आपको इसको बॉईल करना है, और उसके बाद यहाँ पर बॉईल हो रही है मेरी खीर, तब तक मैं आपको खाना दिखा देती हूँ। यहाँ पर बनी है भिंडी की सब्जी और दाल बनी है, प्लेन दाल ही आजकल खा रहे हैं हम लोग, तो प्लेन दाल बनी है, और यहाँ पर राइस बनाया है कुकर में, और ये है रोटी। तो ये है आज का लंच, सिंपल सा ही लंच बन रहा है आजकल, और उसके साथ ये रोटी का चूड़ा बनाया है। एक्चुअली दो भी रोटियां बच जाती है ना, तो उसका चूड़ा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को रोटी का चूड़ा पसंद है। और किस किस को रोटी का चूड़ा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ पर खीर बॉयल हो रही है, और उसके साथ मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी कूट रही हूँ। एक्चुअली इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो दरदरे होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को उसमें कूट के ही डाला है। और इसकी आधी क्वांटिटी बन जाए तब आपको उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, मतलब इसको लास्ट में ही ड्राई करना है आपको। और बस यहाँ पर मेरी खीर बन के रेडी है, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी खीर, आप इस तरह से बना के देखना, और बहुत ही हेल्दी होती है ये वाली खीर। आप चाहो तो इसमें गाय का दूध भी ऐड कर सकते हो, और गाय का दूध भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मतलब आप डेली डेली नहीं खा सकते हो जैसे कि मीठा, तो आप गाय का दूध भी ऐड कर सकते हो इसमें, फैट वाला दूध ऐड मत करना,
जैसे भैंस का दूध ऐड मत करना, उसमें गाय का दूध ऐड कर सकते हो, उसमें फैट कम होता है। यहाँ पर मेरा सारा खाना बन गया था, अभी सिर्फ बर्तन ही क्लीन करना बाकी है, मतलब किचन का काम पूरा हो गया है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि छोटे छोटे बर्तनों में सारा कुछ निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये ऊपर लेके जाना होता है, ऊपर वाली रूम में हमें सारा खाना लेके जाना होता है। तो इसीलिए मैं ना क्या करती हूँ, सारा कुछ छोटे छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ, कढ़ाई वगैरह में जो होता है या बड़े बड़े बर्तनों में जो होता है वो निकाल लेती हूँ, और उसके बाद जो बर्तन होते हैं वो क्लीन कर लेती हूँ लगे हाथ। मतलब मेरा जो किचन का काम होता है सुबह का वो सारा हो जाता है, उसके बाद हम लोग ऊपर चले जाते हैं। तो एक बार अगर किचन का पूरा काम हो जाता है ना, तो ऊपर चले जाते हैं, तो फिर हम लोग नीचे आते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग आ जाते हैं तो काम करने वाले उनके बीच बीच में क्या करना है, इसीलिए हम लोग नीचे आते ही नहीं है। कभी वो पूछते हैं कुछ तो नीचे आना होता है मुझे ही, नहीं तो बच्चों को तो मैं बिल्कुल आने नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल होती है नीचे, तो इसीलिए हम लोग नीचे आते ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह उठ के सारा काम करना होता है, मतलब वो काम वाले आने से पहले, और उसके बाद मतलब नीचे आने का काम ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए चाय वाय भी मैं बना लेती हूँ साथ में ही, क्योंकि चाय बना के थर्मास में रख देती हूँ, उनको बीच बीच में चाय देनी होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया था 2-3 बार उनको चाय देनी होती है बीच में, तो इसीलिए मैं चाय ना पहले ही बना लेती हूँ और थर्मास में रख देती हूँ, उनको फिर बीच बीच में देती रहती हूँ, इसीलिए फिर किचन में कोई काम ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बर्तन लगे हाथ क्लीन कर ले रही हूँ। एक्चुअली ना जो ये होती है बास्केट है वो मेरी वाइट है, तो इसीलिए बहुत जल्दी गंदी होती है, बट दिखने में बहुत अच्छी लगती है यार। हम लोग सोचते हैं कि नहीं वाइट कलर का जो भी है वो उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, बट दिखने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वाइट लेने के लिए सोचती नहीं हूँ बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने ये बास्केट जो है मतलब बर्तन रखने वाली, तो वो मैंने वाइट ली थी, तो उसको ना डेली डेली क्लीन करना पड़ता है, जैसे कि बर्तनों के साथ सबसे पहले मुझे वो क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद मैं उसमें बर्तन रखती हूँ। और मैंने ये वाइट कलर की इसीलिए ली थी, ये पूरी वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है, तो मैंने ये ऑफ वाइट इसीलिए ली थी कि मेरी जो किचन की थीम है वो ग्रीन एंड ऑफ वाइट में है, तो इसीलिए मैंने ये ऑफ वाइट ली थी, काफ़ी अच्छी लगती है ऑफ वाइट वहाँ पे, और ग्रीन भी ले सकती थी बट वो बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन बज बज हो जाता था, इसीलिए मैंने ग्रीन कम रखा और ऑफ वाइट ज़्यादा रखा है उसमें। अभी कलर भी उसमें ऑफ वाइट ही होगा, पहले ग्रीन था बट अभी हम लोग चेंज करने वाले हैं कलर, तो अभी ऑफ वाइट होगा, ऑफ वाइट बहुत अच्छा लगेगा इसमें, क्योंकि ग्रीन थोड़ा कम लगेगा और ऑफ वाइट ज़्यादा लगेगा ना, तो ऑफ वाइट अच्छा लगेगा। तो आप बाद में देख ही लेना कि कैसे होने वाला है, तो पूरा कलर चेंज होने वाला है घर का। किसी ने बोला था कि दी आपके घर में कलरिंग हो चुकी है, तो उसके बाद दोबारा खर्चा क्यों कर रहे हो, मतलब फालतू का खर्चा ही है ये, तो नहीं डियर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे घर पे सिर्फ कलरिंग यहाँ पर हुई थी, किचन में हुई थी और थोड़ा सा उधर पैसेज वगैरह में हुई थी, बाकी का नहीं हुआ था, क्योंकि अद्विक छोटा था तो इसीलिए हम लोगों ने काम बंद कर दिया था बीच में ही, तो बाकी का काम नहीं हुआ था हमारा, तो इसीलिए अभी स्टार्ट किया है काम। तो उसके साथ अभी फॉल सीलिंग हो रही है, तो उसके साथ साथ हम लोग कलरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग का तो वो बहुत ज़्यादा होता है और नीचे गिरता है और उसके बाद दीवार पे भी गिर जाता है, तो इसीलिए वो कलर ख़राब ही होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग चेंज करने वाले हैं अभी कलर। तो यहाँ पर मेरा खाना बन गया है, किचन भी क्लीन हो गया है, अभी ये सब बर्तन ऊपर जाएंगे, ऊपर हम लोग खाना खाएंगे, तो इसीलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो किचन कितना अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी देर में ही यहाँ पर धूल आएगी, क्योंकि वो लोग कभी कभी ना बंद भी नहीं करते हैं दरवाज़ा, अभी बेडरूम का काम चल रहा है तो इसीलिए वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद ही नहीं करते है, कभी कभी भूल जाते हैं दरवाज़ा बंद करना, तो धूल आ ही जाती है कुछ भी करो, फिर भी मेरा ना किचन क्लीन करे बगैर काम ही नहीं होता है, तो इसीलिए ना किचन वगैरह क्लीन कर लिया है। अभी ऊपर आ गई हूँ, बच्चे सो के उठे थे तो बेडरूम ऐसे ही मेसी पड़ा था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये भी क्लीन कर लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर और हो ही जाता है, कितना भी क्लीन करो वैसा के वैसा गंदा हो ही जाता है, बट एक बार क्लीन करना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं ये भी क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी नीचे आ जाते हैं जल्दी से उठ के, तो फिर उसके बाद ये वैसे ही रहता है, मैं तो उठ के नीचे चली जाती हूँ, मेरे काम में लग जाती हूँ, मेरे काम चलते रहते हैं, तो बच्चे उठ के फिर मेरे साथ नीचे आ जाते हैं बाद में, तो ये भी रूम ऐसे ही मेसी पड़ा रहता है। उसके बाद मेरे नीचे के काम जब ख़त्म हो जाते हैं तो मैं ऊपर आ जाती हूँ, ऊपर के काम स्टार्ट कर देती हूँ, तो ऊपर ये बेडिंग वगैरह करना होता है सिर्फ, तो ये कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह करती हूँ और मेरे बाकी के काम स्टार्ट हो जाते हैं। Where we can go, then it's all you and me.
यहाँ पर अद्विक को नहला दिया था और अद्विक को कपड़े वगैरह पहना देती हूँ, अद्विक को रेडी कर देती हूँ। एक्चुअली अद्विक का ना इतना ये है कि अद्विक 2-3 बार नहीं लेता है दिन में, नहीं तो मतलब नीचे कभी कभी आ जाता है, नीचे कभी कभी डोर ओपन रहता है ना तो बीच में ही वो नीचे चला जाता है और फिर गंदा होके आ जाता है ऊपर, तो इसीलिए उसको 2-3 बार तो नहलाना ही पड़ता है, इसका मतलब एक बर्थडे बार से है उसका काम नहीं चलता है। आपका? आपको बर्थडे साल में कितनी बार आता है अद्विक? 2 बार। और अभी कौन सा केक लाना है आपके लिए? ऑरेंज केक? ऑरेंज केक? हाँ, कौन से होटल में गए थे? ब्लैक ब्लैक वाला वाला तो वो तो दीदी के बर्थडे में था। फिर लाने दो, लाके दो। आप जाओगे अभी लॉकडाउन में बाहर? कौन सा केक चाहिए आपको बताओ? चॉकलेट केक? ठीक है, पक्का चॉकलेट केक मिलेगा आपको आपके बर्थडे पे। ठीक है, ठीक है। और अद्विक, आपके आपका बर्थडे कब है बताओ? अभी वैसे मैं बता दूं आपका बर्थडे कब है? 26 नवंबर। ठीक है, आज भी मनाएंगे आपका बर्थडे। ठीक है, चलो सबको हाय बोल दो। माही। चलिए अभी कपड़े वॉश कर लेते हैं क्योंकि सबका ना आना हो गया है और उनके कपड़े जो निकले हैं तो वो मैं वॉश कर लेती हूँ लगे हाथ। और कुछ टॉवल्स भी गंदे हो गए थे तो वो भी मैंने उसमें ऐड किए हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, हम चारों के ही कपड़े थे और एक टाइम के ही कपड़े थे, तो जो शाम को कपड़े निकलेंगे मतलब जो शाम को नहाने के कपड़े निकलेंगे वो मैं शाम को ही धो लेती हूँ। तो ये जो है ये अभी सुबह के है, शाम को एक बार और मशीन लगेगी। कर देती हूँ नहीं तो आपको आवाज नहीं आएगी मेरी। और हाँ, बस काम हो गए हैं सारे सुबह के और मैंने अभी अभी कपड़े लगा दिए हैं, कपड़े धुल जाएंगे तो वो सुखाने के लिए डाल दूंगी बाहर, थोड़ी देर में खाना खाएंगे। एक्चुअली ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है यार, ऐसे ही बिना रेडी हुए रहती हूँ, सिर्फ टोनर लगा लेती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ फेस पे, तो ऐसे ही रहती हूँ दिन भर क्योंकि बिल्कुल मन नहीं करता, इतने सारे काम होते हैं ना बीच में तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है आजकल, तो बस यही चल रही है लाइफ, यही चल रहा है आजकल मेरा मॉर्निंग रूटीन। और मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा आजकल का मॉर्निंग रूटीन। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और आपको अगर लगे तो शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे 2 और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर अभी खाना खा लेते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।